चेहरा चुनाव में जीत दिलाता है जो प्रशंसा पाता है और हार जाए तो अपने हिस्से आलोचनाएं लाता है। इसलिए चेहरों को लेकर हमेशा ही सोच समझकर चालें चली जाती है। इस बार भी यूपी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ सवाल उठने लगा है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। सीएम योगी के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी या फिर पीएम मोदी के नाम पर यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा या केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा। चेहरों की सियासत गहराती जा रही है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि चेहरा क्या देखते हो। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है। कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। चेहरा, चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा रोल होता है। कई बार लड़ता कोई और है, चेहरा कोई और होता है। कोई चेहरा जो कई बार पलक झपकते युद्ध के नियम बदल देता है, युद्ध की चाल बदल देता है, जवाब बदल देता है, सवाल बदल देता है। चेहरा सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। चेहरा जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है और वही साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को साध कर चलता है। चेहरा राजनीति की वो तस्वीर जो रचता है पार्टी का इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है भविष्य। और अब इसी चेहरे को लेकर यूपी के सियासी रण में सारे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। और इस सियासी सिक्के के एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर है नरेंद्र मोदी। इनमें से किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी, फिलहाल ये कोई कहने को तैयार नहीं। अलबत्ता केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगाहें बोलती हैं बेतहाशा। बिन बोले सब बोल गए वो, बंद पड़े पट खोल गए वो। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि इस जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सीएम योगी का नाम लेने से दूरी है। खुलकर डिप्टी सीएम कह ही नहीं पा रहे हैं, मगर दबे जुबान में कहते हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। 13 जून को भी योगी के नाम पर ऐसा ही बोलकर निकल गए थे। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। अच्छा, और सुनिए, बीते दिनों आरएसएस और बीजेपी के मंथन के बाद जो बात सामने आई थी उसमें सबसे अहम था योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भी स्वीकार किया कि यूपी में योगी हैं तो जीत मुमकिन है। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं, तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के मन में चल क्या रहा है। क्या यूपी बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में वो अपना कद और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के पाले में लाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने तब किया जब उन्हें यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तीनों चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी आलाकमान के भरोसे पर खरे उतरे। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है और विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में है,
सरकार परेशानी में है, कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के वक्त तक चेहरे को लेकर गफलत यूं ही बनाए रख सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वर्ग के वोटर को साधना आसान होगा। संभव ये भी है कि पार्टी में अगर किसी तरह की खींचतान बढ़ी तो बीजेपी मोदी के चेहरे को ही केंद्र में रख सकती है, क्योंकि 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, लेकिन खुद केशव इस दावे से इनकार कर रहे हैं। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो सर्व पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी यूपी की जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और ऐसे में आखिरी वक्त पर उसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा जिसका नाम जीत की गारंटी हो, वरना मोदी को ही केंद्र में रखकर चुनावी अभियान का पूरा खाका अगर खींचा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।